बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, देखती आँखों और सुनते कानों को हमारा सलाम पहुँचे। जब इन्हें मुल्की सदारत के लिए नामजद किया गया तो एहरारी सदर का शोर मच गया। ये कुछ झूठ भी नहीं था। इसकी एक वजह उनके ज़माना तालब इल्मी का एक वाक़या था। एक मिर्ज़ई से ख़त्म नबूवत के मसले पर बहस करते हुए उनका झगड़ा हो गया। उस बदबख्त ने खंजर से उनके शाने पर वार कर दिया। अल्लाह ने इन्हें बचा लिया। जनाब रफीक तारर अपने शाना के इस जख्म के निशान को तोशाए आखरत समझते हैं। यही तगमा ख़त्म नबूवत है। फिर हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी ने इस तगमा ख़त्म नबूवत की तस्दीक भी कर दी। ये बताते हुए रफीक तारर एक अजब कैफ़ो सरमस्ती के आलम में दिखाई देते हैं कि हज़रत शाह जी ने उस जख्म को चूमा था। हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी उसे क्यों ना चूमते? कुछ जख्मों से गुलाब मोती की खुशबू आती रहती है। अपनी ज़िंदगी में जनाब रफीक तारर ने आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने के कई सबूत बहम पहुँचाए। मिर्ज़ई सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान तारीख पाकिस्तान का एक अजब किरदार है। वो हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के जनाजा में शरीक नहीं हुआ था। नमाज जनाजा पढ़ने वालों से वहीं ज़रे परे होकर खड़ा रहा। दीदा दिलेरी का ये आलम के कहने लगा, आप मुझे एक मुस्लिम रियासत का गैर मुस्लिम वज़ीर ख़ारजा समझ लें या फिर किसी गैर मुस्लिम रियासत का मुस्लिम वज़ीर ख़ारजा। बाद में वो आलमी अदालत का जज भी मुकर्रर हुआ। उसके इंतकाल पर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जज साहबान की एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के इजलास में आन जहानी के लिए फुल कोर्ट रेफरेंस का मामला ज़ेर गौर आया। जनाब रफीक तारर इस ज़माना में लाहौर हाई कोर्ट के जज थे। उस मौका पर उन्होंने बाकी जजों को ये याद दिलाया कि उसने हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा नहीं पढ़ा था, इसलिए एक इस्लामी मुल्क में उसका फुल कोर्ट रेफरेंस बेहिमायती होगा। जब दूसरी जानब से फुल कोर्ट रेफरेंस के लिए इसरार बढ़ा तो इस महज़ब इंसान के सरापा से एक अखड़ जाट बरामद हो गया। तारर साहब ने ललकार कर कहा कि अगर किसी में हिम्मत है तो ये रेफरेंस करके दिखाए। फिर क्या होना था, सभी इस गैरत ईमानी के बिफरे हुए तूफान के आगे पसपा हो गए और रेफरेंस ना हो सका। कुछ माह गुजरते हैं, कालम निगार GOR1 लाहौर इनसे उनकी अहलिया की ताज़ियत के लिए पहुंचा हुआ था। वहीं ख़त्म नबूवत का जिक्र छिड़ गया। फिर सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी और एक बदबख्त मिर्ज़ई के हाथों उन्हें आने वाले ज़ख्म का जिक्र आना लाजमी था। कालम निगार ने तारर साहब से पूछा, कभी ख्वाब में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई? तो बताने लगे, नहीं, कभी नहीं। फिर उन्होंने अपनी बात यूँ मुकम्मल की, इस मामला में झूठ बोलना गुनाह कबीरा है, इसकी माफ़ी कभी नहीं होगी। कालम निगार को उनका पोता बिलाल फारूक MPA उनके बेडरूम में ले गया था कि आपसे मिलकर उनकी तबीयत बहल जाती है। फिर लंबी नशिस्त रही, देर तक गुफ्तगू का सिलसिला चलता रहा। इंसानी ज़िंदगी में ऐसे कई वाक़यात आते हैं जिनकी कोई अकली तौज़ीह पेश नहीं की जा सकती। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा ही वाक़या सुनाया, कहने लगे, मुझे पेशा वकालत में भी अभी चंद बरस ही हुए थे। मैं गुजरांवाला ज़िला कचहरी मिनहास नामी एक मजिस्ट्रेट की अदालत में एक गवाह पर जिरा कर रहा था। मेरे जहन में एक सवाल आया, ये सवाल दो धारी तलवार था। अगर इसका जवाब हाँ में मिलता तो मुल्ज़िम की बर्रियत यकीनी थी। यह सवाल उसी वक्त मुझे सूझा था। जहन में अचानक बातों का आ जाना भी अजब मामला है, ये इंसानी समझ में नहीं आता। कहने लगे, गवाह ने मेरे हसब मंशा हाँ में जवाब दे दिया। गवाह के जवाब ने सारा मुकदमा खोल के रख दिया। इस तरह मेरे मुवक्किल की बेगुनाही वाजह हो गई। इसी मरला पर मिनहास साहब के जिक्र में अल्लाह जाने क्या बात आई, तहसीन भरी नज़रों से मेरी जानब देखते हुए बोले, मैं आपको मिस्टर रफीक तारर कहूँ या जस्टिस रफीक तारर, मेरे पल्ले कुछ ना पड़ा। शायद अभी मामले का मेरी समझ में आने का वक्त भी नहीं था। मैं सिविल जजी के इम्तिहान में बैठा। इस वर्ष 5 लड़के कामयाब हुए थे, मेरा उनमें 5वां नंबर था। सीटें सिर्फ 4 थीं, मेरी तकरारी रह गई, मुझे बहुत दुख हुआ।
लेकिन मुझे उस वक्त मालूम नहीं था कि कुदरत मुझे इससे ज़्यादा नवाजना चाहती है। अगर मैं उस वक्त सिविल जज सिलेक्ट हो जाता तो शायद हाई कोर्ट भी ना पहुंच पाता। चंद बरस बाद मैं डायरेक्ट एडिशनल सेशन जज मुकर्रर हो गया। फिर चंद ही सालों में सेशन जज की ओहदे पर पहुंच गया। मैं उन दिनों बतौर लेबर जज अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था कि लाहौर नीले गुंबद मेरी उन्हीं मिनहाज साहब से मुलाकात हो गई। पूछने लगे, कहाँ हो? मैंने उन्हें बताया कि मैं लेबर जज के तौर पर काम कर रहा हूँ। कहने लगे, अच्छा, फिर तो करीब ही पहुँच गए हो। क्या उसे सिर्फ मेरी हाई कोर्ट की जजी तक की खबर थी? वरना मैं बाद में चीफ जस्टिस भी हुआ, सुप्रीम कोर्ट भी पहुँचा और सदर पाकिस्तान भी रहा। इंसानी अकल अभी तक कबल अज मसीह लिखे गए मुकालमात अफलातून पर ही हैरान खड़ी है। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। तस्लीम रज़ा, सबर व इस्तगना कोई जनाब रफीक तारड़ से सीखे। बतौर जज लाहौर हाई कोर्ट इन्हें एक प्लाट मिला, उन्होंने उसे काफ़ी समझा और फिर किसी दूसरे प्लाट की ख्वाहिश भी नहीं की। बतौर चीफ जस्टिस और साबिक सदर पाकिस्तान उनका एक से ज़्यादा प्लाटों का इस्तेहकाक बनता था, लेकिन उन्होंने दूसरा प्लाट लेने से इनकार कर दिया। उनके इस इनकार पर जनरल परवेज मुशरफ हैरान और परेशान होकर रह गया। उनका दूसरा पोता अताउल्ला तारड़ उन्हीं की तरह बारिश इन दिनों मुस्लिम लीग नून का स्पोक्स मैन है। वो कालम निगार को गाड़ी तक रुख्सत करने आया। कोरोना वबा के बायस कालम निगार उनसे हाथ मिलाए बगैर गाड़ी में बैठने लगा। अल्लाह जाने कालम निगार के जी में क्या आई, बे इख्तियार उसके मुँह से निकला, आप इन दिनों बुजुर्ग मुस्लिम लीगी राजा जफरुल हक की जगह मुस्लिम लीग नून की तर्जमानी कर रहे हैं। नौ उम्र में आपको ये मनसब अपनी ख़ानदानी वफाशियारी के बायस हाथ आया है। हमारी आंदा मुलाकात तक आप यकीनन सेनेटर हो चुके होंगे। फिर कालम निगार गाड़ी में बैठा अपने बे इख्तियार कहे इन लफ्ज़ों के बारे में देर तक सोचता रहा। बात दिल से ज़ुबान पे आती है, बात दिल में कहाँ से आती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।